जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में मैं आज के करंट के बारे में बात करूंगा। 9 सितंबर है आज तारीख, तो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पहली जो न्यूज़ है, लगभग कल तो न्यूज़ इतनी नहीं रही थी, परसों की न्यूज़ है, कुछ आज की न्यूज़ इसमें मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट, मतलब कल की न्यूज़ और कुछ परसों की, क्योंकि ये सरकारी छुट्टी रहती है, आप सभी को बताया संडे को, इस वजह से न्यूज़ थोड़ी सी कम रहती है। पीआईबी वगैरह भी नहीं आती न्यूज़ इतनी, जो आपकी सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो, यदि कोई होगी तो मैं आपको बता ही देता हूँ। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच जो समुद्री मार्ग बनने जा रहा है, व्लादिवोस्तोक जो है जगह है वो रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये किस मेमोरेंडम के पर हस्ताक्षर करके बनी है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और प्रमुख बिंदु मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिए ही हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और समुद्री मार्ग से जुड़े भारत के हित क्या क्या हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे सिल्क रूट जो है चीन का, और पर्ल वाला जो रूट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन की, तो उससे कहीं ना कहीं कम्पीट करेगा ये चीज़, है ना। और थोड़ा सा इस शहर के बारे में, व्लादिवोस्तोक के बारे में, जगह के बारे में इसमें दिया हुआ है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है आपकी बाघ, विशेष बाघ संरक्षण बल से रिलेटेड है, ये कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बनाने का एक तरह से निर्णय लिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है टाइगर रिजर्व जो है कार्बेट वो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु मिल जाएंगे आपको, स्टाफ जो फोर्स जो बनाई जा रही है उससे रिलेटेड, और इसकी आवश्यकता क्यों थी इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक दो लाइन पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और सुरक्षा के विभिन्न स्तर और नेशनल कार्बेट, जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से हो जाएगी। एक जो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, जो कि अमेरिकी नीति और परमाणु हथियारों की होड़, इस पर पूरा का पूरा ये लेख जो है दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस जानकारी से आपको क्या करना है, लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चंस को आपको 3 फ्रेम बना के जैसे लिख लीजिएगा, जैसे अमेरिकी प्रशासन की नीतियाँ शीत युद्ध परमाणु हथियारों की होड़ को दोबारा जन्म दे रही हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, इसके उत्तर के पक्ष में तर्क लिखना है। तो इसको 3 स्टेप में बांट लीजिएगा, पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक छोटा सा प्रस्तावना दीजिएगा, फिर मेन उत्तर लिखिएगा, फिर छोटा सा एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 भागों में बांटना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो देख लीजिएगा, क्रोनियो पैगम जो ट्विंस हैं उनसे संबंधित ये कुछ न्यूज़ थी, क्योंकि ये एम्स में सर्जरी करी गई थी, जैसे दो बच्चों के जब सिर जुड़े रहते हैं ना तो उसको कहते हैं क्रोनियो पैगस, ठीक है, ये बीमारी होती है एक तरह से, इसमें ट्विंस जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं आनुवंशिक रूप से। देखिए, अभी हाल ही में पीआईबी में एक न्यूज़ थी कि सूती धागों का निर्यात जो है गिरावट हो गई है, ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग से डायरेक्टली एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है, और वस्त्र उद्योग जो 5वां जो है सबसे ज़्यादा दूसरा जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक तरह से माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी इसके बारे में इसमें जानकारी है, ये पढ़ लीजिएगा। डायनासोर की एक नई प्रजाति के बारे में इसमें दिया गया है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ये डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, है ना, और डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में चले जाइए और upsc11.com पर ये मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और आज का ये पढ़ लीजिए। आज मैं थोड़ा सा उस प्रकार से जैसे मैं बताता हूँ आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से अभी थोड़ा बोलने में भी समस्या हो रही है, इस वजह से मैं सामने आकर नहीं बता पाया इसे, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।